हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉमेट के कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि बच्चों आपको पता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड रहता है, क्या हमारी अमाउंट इसमें डिपॉजिट होगी काउंसलिंग्स के दौरान में, ये काफी सारे डाउट्स बच्चे के आ रहे हैं और कौन से कॉलेजेस हमें अपनी कॉमेट की रैंक पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अभी इस वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो को सभी बच्चे एंड तक देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस हमारा क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हमारी है वो मैंने ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन दे दिए थे स्टूडेंट्स को कि 19 जुलाई से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, आप सभी को पता चल चुका है इस बारे में। और 12th अगस्त तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और 18th अगस्त तक बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा राउंड वन की जो चॉइस फिलिंग्स हैं, जब 18th अगस्त को अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं दिखाता है तो आपको एक और मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। और अगर आपने उसमें भी अगर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है सो दैट मींस आपको काउंसलिंग्स में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपकी कितनी भी रैंक आई हो और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं गाइज, तो आपको ये प्रॉब्लमैटिक आपके लिए चीज हो सकती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से अपलोड कीजिएगा। प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर आप पूछ सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे जो स्टूडेंट्स दोबारा से अगर आपकी जो काउंसलिंग्स के डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई दोबारा में भी नहीं हो पा रहे हैं, दैट मींस आप काउंसलिंग्स में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपके सेकेंड टाइम में भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, देन हम देखें राउंड वन की चॉइस फिलिंग, वो की आपकी 22nd ऑफ अगस्त से आपकी स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग 8 AM से, एंड ये आपकी 24th अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है। ठीक है, देन हमारा जो मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 26 ऑफ अगस्त को आपका मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड आपका जो चॉइस फिलिंग प्रोविजन टू चेंज एडिट प्रेफरेंस आपकी जो है वो आप 26 अगस्त से 28 अगस्त तक अपनी आप प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग की चेंज कर सकते हैं। एंड देन आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जो है वो आपका 30 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट सुबह 11 बजे आपका ये आ जाने वाला है। देन आपकी जो रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज रहेगी, आपको जैसे आपने आपको जो कॉलेज अलॉट फॉर एग्जाम्पल 30th अगस्त को आपका रिजल्ट में हो जाता है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर आपको सीट लेनी है तो आपको वो फ्रीज करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे आपको करना है, अगर स्किप करना है, सरेंडर करना है, वॉट एवर द ऑप्शंस, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड आपके पास 30th अगस्त से 5 सितंबर तक का आपको ये टाइम पीरियड मिलने वाला है। जेईई मेंस का एग्जाम आपका, अगर होपफुली आपका एग्जाम जो है अगर 29 से पहले, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अगर एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है, नहीं गया है और आप कॉमेडेक से कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे सीट को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सरेंडर की जो आपकी फैसिलिटी है वो आपकी 30th अगस्त से 6 सितंबर तक की आपको सरेंडर करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट राउंड तक का आपको यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे शेड्यूल मेंशन कर दिया गया है। देन अगर हम देखें स्टेप्स टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग और आपके स्टेप्स टू डू चॉइस फिलिंग, यहाँ पे सारी चीजें जो यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है, एप्लीकेंट लॉगिन, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको बनाना होगा। देन आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का वहां पे टैब में क्लिक करके आपको अपना पे करना है 2000, जो कि आपकी फीस नॉन रिफंडेबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। सो आपकी लास्ट ईयर्स भी जो काउंसलिंग की जितनी भी फीस पार्टिसिपेशन की रहती है वो नॉन रिफंडेबल ही रहती है। ठीक है, देन अपनी आप यहाँ पे फोटोग्राफ लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे वेरीफाई। कॉमेडी की काउंसलिंग्स करते वक्त जो आपके यहाँ पे टॉप कॉलेजेस होंगे जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं कॉमेडी की काउंसलिंग्स के द्वारा, सो वो भी हम देख लेते हैं, इनके कट ऑफ्स भी देख लेते हैं बच्चों। सो आपका फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे कॉलेज है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, जिसका की कट ऑफ अगर हम देखें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 8852 तक गया है कट ऑफ। अगर बच्चों आपकी रैंक आ रही है 30,000 के विदिन, तो 25,000 के विदिन, तो आपको कॉलेजेस टॉप के कॉमेडेक के मिल सकते हैं। एंड आगे भी अगर आपकी रैंक इसके ज्यादा भी है देन तब भी आपको मिल सकते हैं, बट हो सकता है आपको वहां पे कोर ब्रांचेस अवेलेबल ना हो पाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि 622
कट ऑफ तक आपकी गई है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 5 to 6 तक आपको मिली है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आपको 21,742 की क्लोजिंग रैंक तक आपको ये ब्रांच अलॉट हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 9,016 की क्लोजिंग रैंक तक आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुई है। नेक्स्ट हम देखें बीएमएस कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि 14,000 की क्लोजिंग रैंक, ऑलमोस्ट 15,000 की क्लोजिंग रैंक तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको मिल रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे तो 1500 की क्लोजिंग रैंक तक ऑलमोस्ट मिले, बायोटेक्नोलॉजी 23,000 तक, और केमिकल इंजीनियरिंग आपकी 43,000 तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। एंड ईसी आपको 2800 की रैंक तक मिली है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 42,000 तक मिल रही है बीएमएस कॉलेज में, अगर आपको बीएमएस में ही जाना है तो। नेक्स्ट हम देखें रमैया इंस्टीट्यूट, इसमें सिविल इंजीनियरिंग आपको 42,000 तक मिल रही है और आपकी बायोटेक्नोलॉजी 23,000 तक आपको यहां पे मिल रही है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो वो आपको 1199 1100 की 1200 की रैंक तक ही आपको यहां पे ये मिल पा रही है, और 1600 की रैंक तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी आपको मिल सकती है रमैया इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट हम देखें बीएमएस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैंगलोर, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 4851 तक आपको मिली है और ईएनटी ब्रांच आपको 40,000 तक अलॉट हो रही है। नेक्स्ट हम देखें हमारा है सर एम विश्वेश्वराया इंस्टीट्यूट, जिसकी की आपकी ट्रिपल ई ब्रांच आपको 41,000 तक मिल रही है और ईएनटी ब्रांच आपको 42,000 तक मिल रही है, ठीक है। देन आपकी सीएसई आपको इसमें 6,000 रैंक तक आपको सीएसई मिल रही है एम विश्वेश्वराया में। नेक्स्ट हम देखें आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग मैसूर, इसमें कंप्यूटर साइंस आपको 4,300 तक अलॉट हो जाएगी और आईटी ब्रांच आपको 5,451 तक आपको अलॉट हो जाएगी। बैंगलोर इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमें इसमें कंप्यूटर साइंस 3,900 तक अलॉट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 43,000 तक अलॉट हो जाएगी। बाई काउंसलिंग का प्रोसीजर करना, फॉर्म अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी प्रोसेस है, मैंने सारा स्टेप वाइज आपको समझा दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्लेस करने हैं। अभी फिलहाल इसमें हम कट ऑफ देखते जाएंगे और हमें कहां कहां तक कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं किन कॉलेजेस में वो हम देख लेंगे, ठीक है। ENI में देखें तो 38,000 तक हमको मिली है और इन्फॉर्मेशन साइंस में 5,749 तक हमको ये ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा है KLE इंस्टीट्यूट हुबली कर्नाटका, जिसमें कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक हमें 33,000 तक मिल रही है ऑलमोस्ट, और हमें ईसी ब्रांच 22,000 तक मिल रही है, मैकेनिकल 41,000 तक, और कंप्यूटर साइंस हमें 11,000 तक हमें कॉमेडेक की रैंक पे मिल पा रहा है। देन हमारा नेक्स्ट कॉलेज है श्री राजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, जिसमें कि हमें कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस साइंस हमको 4,000 की रैंक तक हमको मिल पा रही है और आईटी ब्रांच हमें 3,500 तक हमें मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हम देख लेते हैं हमारा आता है, नेक्स्ट कॉलेज है हमारा सिद्धागंगा इंस्टीट्यूट, जिसमें कि हमें कंप्यूटर साइंस 6,500 तक मिल रही है और ईसी ब्रांच हमें 14,000 तक मिल रही है, ट्रिपल ई ब्रांच हमें 40,000 तक मिल रही है और ईआई ब्रांच 42,000 तक मिल रही है, ईएनटी ब्रांच हमें 27,000 तक मिल रही है और मैकेनिकल ब्रांच 18,000 तक मिल पा रही है। बच्चों मुझे लग रहा है कि मैं सारी क्लियरली आपको सारी डिटेल्स यहां पे दे पा रही हूं, और अगर बच्चों अगर कोई भी डाउट आ रही कॉमेडी की काउंसलिंग में तो आपको मैं फिर से बोल रही हूं, आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी गाइडेंस है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, आपको इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दयानंद सागर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी 40,000 तक मिल रही है और कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन आपको 4,500 तक इसमें मिली हुई है। देन हमारा ईएनटी ब्रांच 32,000 तक मिली है बच्चों और मैकेनिकल 41,000 तक मिल रही है। अगर आपका बजट है कॉमेडेक में जाने का, इन इंस्टीट्यूट में जाने का, तो फीस थोड़ी सी हाई होती है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें 2,550 और 2,500 रैंक तक आपको यहां पे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें हमारा है इंस्टीट्यूट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 21,000 तक NMAM में मिली है हमें, और हमारा रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल 42,000 तक को रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रही है इसमें। बीएनएम में देखेंगे हमारी तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी 35,000 तक बच्चों हमको मिल रही है और इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 12,000 तक हमको मिल रही है। नेक्स्ट हम देखें एनआईटीटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हमको 8,928 तक मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस हमें 9,413 तक हमको मिल पा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 39
39,000 तक हमको मिल रही है, मैकेनिकल 42,000 तक मिल रही है। तो बच्चों ये हमारा सारा है कट ऑफ एनालिसिस सारे इंस्टीट्यूट्स का। आई होप आपको ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी और इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट्स को ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको काउंसलिंग करने में या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमसे डाउट आप पूछ सकते हैं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम से हो सकता है कि हम आपको वन बाय वन यहाँ पे अटेंड भी कर पाए और आपको यहाँ पे गाइड कर पाए, क्योंकि समय है अभी कॉमेडेक की काउंसलिंग में 12 अगस्त तक का। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए आराम से। एंड स्टूडेंट्स तब तक जेई मेन्स का एग्जाम जो आपको होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिएगा, और आपकी यहाँ पे एग्जाम होने ही वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट, रिविजन कर लेना अच्छे से ध्यान से और बिल्कुल कूल माइंड होकर पेपर देने जाना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा उन सभी बच्चों को जो कि कॉमेडी की काउंसलिंग करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ बच्चों थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस एंड सी यू सून गाइज़।